सवेरे खाण लगे जी पोहा, पोहे दे नाल हैगा है नीरा। कादा रस है खजूर। हाँ टैटू ट्रैवल एंड ट्राइक देख रहे सारे दर्शकों सत श्री अकाल। तरीक अज दसंबर 3 द जंगल फार्म करके एक फार्म बनया हुआ, एक वीर नाल मेरे रास्ते च मुलाकात हुई सी, वह वीर दा है ते वधिया बना रखा है 15-16 किले च, सारा जंगली जंगल आ, इत्थों एंट्री है इहदी। हुण असीं ते इक पहाड़ आ उत्ते ट्रैक करन चले आ, मैं बाबा ते विकास। वो पहाड़ बारे भी तुहानूं दसदे आ, उहदा इतिहास आ, इक पारसियां नाल जुड़िया होया बहुत पुराना। बाबा चलो कितना का नाम किसी था भैया, गांव का नाम क्या था इसका? असवाली। असवाली असवाली डैम। हाँ जी डैम डैम जा रहे हैं, नहीं मिलता इस पिंड का नाम असवाली। पहाड़ ते चले सी, उहदा ट्रेल नहीं कोई बनया होया, गाइड चाहिए एक नाल, गाइड आपां नूं मिलिया नहीं, कल शायद मिल जाए। हुण सामने डैम आ, डैम ते चलदे हां। आह ब्लूटूथ वाले हैडफोन जी वधिया ने, इहदे बटन नाल वीडियो चल भी पैंदी आ, बंद भी हो जाती है। माइक वाली तार दा भी झंझट नहीं, जे इलाका शांत होवे ते वधिया रहिंदे आ माइक नाल। बाबा पिछे चाह देखी जाता, वह भी अपने वगू चाह बहुत पींदा, सवेरे 2 कप पीते होना, हुण पे पिछे भली जाता जी। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਪਿਓਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? सेल्फी स्टिक लेनी? मैं गेट दा मेरी वीडियो बना ला, गेट ला भाई पीला ना, मैं गेट तू ओ है वे स्टोरी करना, एक गेट के दिखा बस। हां वर्किंग आ जा, ए ओथे लगे हुए ने उत्तर तो दिस। डैम इसी तरफ है ना? ठीक है थैंक यू। पहले कहाँ पहुंचेगा? इधर? अच्छा स्कूल है इधर। कितना ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਕ ਬਾਬਾ। ਜੈਕ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਕ ਬਾਬਾ ਜੈਕ। ਅਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਅਜਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 2013 ਮੈਂ। ਕੌਣ ਸੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਦੂਧ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ। दुध वाला साइकिल जो अपना डंडे वाला साइकिल होंगे कहना बाबा। और क्या राइड किया था तक, मतलब कौन सा? वेस्ट बंगाल का था। वेस्ट बंगाल का था? कितनी डिस्ट्रिक्ट? 6-7 6-7 जिले कीते सी।
उसके बाद फिर प्रोफेशनल राइडिंग कब शुरू? प्रोफेशनल अभी तक भी प्रोफेशनल नहीं, मतलब इंडिया घूमने के लिए कब निकले वो बोलो। इंडिया तो हम उसी टाइम से घूमने तेरा से साइकिल चला रहा हूँ। हाँ, तब तो वेस्ट बंगाल घूमा था ना, उसके बाद कब शुरू? वेस्ट बंगाल घूमा, फिर सिक्किम घूमा, फिर एमटीबी बाइक आया। सिक्किम डंडे वाले साइकिल पे घूमा? नहीं, एमटीबी था। एमटीबी ये कौन सी कंपनी का? वही यूनिवर्स से, यही वाला ये कंपनी का था, मतलब इससे पहले वाला था। ठीक है, तो हिमाचल को कब निकले फिर? सिक्किम चलाया, फिर 19 में हिमाचल आया, फिर 20 में बांग्लादेश गया, मलेशिया नहीं गया, मलेशिया जाने का पहले लॉकडाउन हो गया, फिर 21 में फिर हिमाचल आया, तब से अभी तक चल रहा है। बाबे ने जाना सी मलेशिया बांग्लादेश होके, पर जो बांग्लादेश पहुंचा वो तो लॉकडाउन लग गया, फिर मुड़ आया सी बाबा, फिर मुड़ के साइकिल चक्के हिमाचल पहुंच गया। हिमाचल कितने साल से था? हिमाचल में 19 में था, 2020 में नहीं था, फिर 21 में था, 22 में था। हाँ, यह दुखने लग गया था। चाय मिल गया? चाय देखते हैं, चाय मिल जाएगा भैया आगे? कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, चाय का कोई आशा नहीं है। अभी तो पी के निकले थे, वो दिया चाय तो पूरा भी पी। हाँ ठीक है, फिर हिमाचल राइड कब किया साइकिल पे? 21 में। ठीक है, फिर 22 तक वहाँ राइडिंग में मैं हिमाचल में हिचहाइक करके घूमा पूरा। हाँ, हिचहाइक किया, फिर 21 हिमाचल में साइकिल चलाया, फिर हिमाचल में बैठ गया, फिर तो अभी तक चल रहे हैं साइकिल। तो फिर 22 में निकले दोबारे कोलकाता के लिए? नहीं, हिमाचल से निकला। अब वही ना कोलकाता के लिए, कोस्ट लाइन के लिए नहीं। हाँ, तो पूरा इंडिया के लिए। लेकिन कोलकाता जाके ब्रेक मारोगे ना? ब्रेक कुछ नहीं। हाँ, नहीं मारा दिन बस रहने के लिए। कैसे बाबा घर ही नहीं गया ना, बहुत साल हो गए। तो आपका घर दसदा भी नहीं कोलकाता, कहना मेरा घर है हिमाचल में। हिमाचल से सिक्किम रहा, मेघालय, मतलब पहाड़ा की रहता बाबा यादा। तो हिमाचल में क्या क्या काम किए सर्वाइवल के लिए? सब कुछ किया जो कर सकते हैं। अरे सब कुछ तो क्या कर सकते, पंचर लगाया क्या? हॉस्टल चलाया। हाँ ये वो है यार, नहीं जब मैंने सवाल पूछा कि क्या करा, सब कुछ करा, मतलब क्या आम तोड़ रहे थे? सब कुछ करा। नहीं जो आगे, अब मुझे पूछो क्या करा, मैं बोलेगा पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाता था, फिर मैं डांस करता था, फिर मैं साइकिलिंग में आया टैटू करके, ये होती है ना बात। मैं तो जिंदगी में जो काम मिला वही कर लिया। हाँ, चाय भी बेचा, कंपनी भी चलाया, चाय मोदी के साथ बेचा, आईटी कंपनी भी चलाया, चाय भी बेचा, मधुमक्खी भी पाला। हाँ, और क्या क्या क्या? मधुमक्खी पाला? हाँ, बीकीपर था मैं, तभी तुमको नॉलेज है मधुमक्खी के बारे में। हाँ, मधुमक्खी मेरा दोस्त है, बीस मेरा दोस्त है, बीस मुझे कभी नहीं काटेगा। इसके बाद का क्या प्लान है, अभी राइड करते रहोगे सारी उम्र? नहीं, तुम तो बोल रहे थे तो चलाएंगे फुल टाइम ट्रैवलिंग करूँगा। इंडिया तो है ही खूबसूरत, इंडिया के बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल एशिया जाएंगे। हाँ, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया चला रहा है, अफ्रीका चला रहा है। अफ्रीका में क्या चलाओगे यार? अफ्रीका तो चला रहा हूँ जी एक बार। हाँ, लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा अफ्रीका, सबसे पुराना कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ओके, सिविलाइजेशन का सबसे पुराना कॉन्टिनेंट है। अभी यहाँ से बीच में से होके जाना पड़ेगा, बहुत रास्ता है। गलत आ गई सी, बाबर में एक दो बार गया हरिमा, बैठ के चंगी तरह गलबात करते हैं, पर फटना हुआ था बाबा, जे करूँगा भी गला जा के ये करता ना, तो मैंने समझ आ कई बार ना थोड़े पले पैनिया ने। जिंदगी में कुछ भी करे एक जगह बैठेंगे नहीं, घूमते ही रहेंगे। पर बंदा वधिया है, दिल का साफ आ, पूरा करारा जहा बंदा, नॉलेज वाधू बाबे नू। बाबा इतना नॉलेज कहाँ से आई होता? घूमते आया, लेकिन इंसान से आया, लोगों से आया। हाँ,
लोगों से बात करते गए। घर क्यों नहीं अच्छा लगता कोलकाता? घर क्या करेंगे, सभी जाते हैं, हम भी घर जाएंगे एक ना एक दिन तो जाएंगे। घर बैठ के क्या करेंगे, घर जाना पड़ता है इसलिए जाते हैं कभी कभी। अच्छा जाना काम कुम हो बहुत जरूरी तब जाते हो, ठीक है। तुम्हारे साथ बातें करते करते रास्ता निकल जाएगा बाबा, ध्यान भी पहुँचने वाला है। कितना ट्रैक किया है अपनी जिंदगी में? बहुत बहुत क्या, कोई हर रोज हर रोज हर रोज तो साइकिल चलाते हो हिमाचल में? हर रोज तो ट्रैक करते हैं, ठीक है। और कितनी गुफा में रहे हो? बहुत सारे, बहुत सारे हजार गुफा? हजार नहीं, हाँ फिर हजार गुफा में देखा भी नहीं, हाँ फिर बहुत सारा मतलब क्या होता है, बहुत सारा इधर उधर जहाँ पे पत्थर मिला, पत्थर का नीचे खड्डा है मतलब गुफा ही है, ठीक है। रह जाओ तो वही गुफा है, और अच्छा लगता है गुफा में रहना? रहना अच्छा क्या लगे, रहना पड़ता है तो शेल्टर मिल गया, शेल्टर अच्छा ही है। हाँ जी सावली डैम जिथे ट्रैक करके आए सी, बैठांगे अद्धा घंटा घंटा इत्थे, चलांगे थले जंगल फार्म च नूं। भाई खाण पीने का समान लेके आए जी अपना, मैं चल इत्थे बैठूंगे किश्ती च लद्दे हुण, उह चले गब्बे जी नूं जाए खाऊंगे आराम नाल। इह जिहड़े असीं पहाड़ ते जाणा सी उहनूं बारोट केव्स कहिंदे आ, उह पहाड़ ते आ उह परले बन्ने वाले, पर रास्ता जी वह कहते गाइड चाहिए, जाने का दिल तो है पर जो भटक जाएंगे काम खराब हो जाऊगा। बाबा चले तारी लान डैम च, असी नाल सिक्योरिटी नू चले, तैरना सानू भी नहीं आता, तैरना सानू भी नहीं आता, ये डंडा जा कर देंगे जो डुब गया बाबा। जो कहते पानी उछलता था पहला इस खाने च भरता, ये तो गांह फिर इन्हें नदी बना के वह गांह खूह बनाया हुआ उत्थे जांदा उत्थे भरता। बाबा किधर हो, इधर है ना रास्ता यार, ये देखो उतरने के लिए। बाबा पिंड वाले ने पुछता फिरता कहना डैम दे पानी ही ना सकते हो, मना करी जाते, पुछूगा तो मन ही करे बाबा सीधी डुबकी ला बिच बस। जा होर थले ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਦ ਜੰਗਲ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲਫੜਾ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। बिल्ली फिर टक्कर की हो सब निकालते हैं ऐसे पी के दिन।
फिर सुखा के वो भगत को लेके आए गए, फिर ये करते हैं, फिर वो छुट्टी देते हैं खाने के लिए। ओके भाई, दी ट्राइब का नाम है वर्ली ट्राइब। और भाई यहाँ पे फसल कौन कौन सी होती है? तिवार होते है। नहीं फसल, फसल जैसे आप बोल रहे थे ना, धान होता है। धान, तुरी होता है, काकड़ी, और भाषा, कठे भाषा, कोड भाषा, मराठी भाषा, चौक जैसे बता रहे थे ना। वो चौक जैसे शादी के टाइम बनाते हैं। शादी के और कौन कौन सा टाइम पे बनाते हैं? मतलब किसी का जन्म हुआ बनाते हैं तो सब ऐसे जो जीवन में आदिवासी में जीवन में होता है ना, ये वो तो समझे मतलब जीवन में जो होता है वो, मतलब एक तो हो गया कि शादी का टाइम प्रॉपर ये बोलते हैं ना, चौक बोलते हैं, वो शादी के दिन में ही निकलते हैं, बस शादी में ही होता है। ये इतना ज्यादा नहीं बनाते है लोग, एक ने पूरा टिका के रखा है गाँव में, एक बंदे ने। सिर्फ एक बंदे ने? हाँ एक बंदे ने, गाँव में बहुत है लेकिन इधर हमारे गाँव में एक बंदे ने टिका के पूरा ओरिजिनल जो है वर्ली पेंटिंग। उसको बुलाते हैं हम जब भी शादी रहती है तो। बाबा हुण कंध चढ़न लग गया आ दूजे नंबर वाली। बाबा इसको क्या बोलते हैं? नहीं क्लाइंबिंग वाल तो बोलते हैं जो आप कैटेगरी। हाँ ओवरहैंग, 60-90 डिग्री है वाल, 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो ओवरहैंग हो जाएगा। ये ओवरहैंग है हुण चढ़न लग गया इनू, उत्तों मैं कड़ीसूंगा बाबे नू। रेडी टेक द स्लैक, चलो क्लाइंबिंग। कितने मजबूत रखी ये वीडियो बना दिया है बगैर नेरे भी वादिया वीडियो बना दिया। वीर होरी चंद दिखाने ले चले ने, सची चंद देखने चले हैं वो जगाड़मेंट जा, पता नहीं उन्हें की कहें खरे टेलीस्कोप खरे की कहें तो नाम की है वो राही देखांगे। हाँ कैंपिंग साइट शायद तुसी देखी सी शायद नहीं, मिल गया बाबा ये कहाँ था? ये दूसरा है, ये मेरा स्पेयर हेडलाइट है। ये इसका नाम क्या है जी? इसको टेलीस्कोप बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, इसमें यहाँ से इमेज जाती है अंदर। ओके, यहाँ एक मिरर होता है। हाँ जी ठीक है जी, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। हाँ जी, वो इमेज यहाँ फेंकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे और एक मिरर है वो यूं फेंकता है, वो दिखाता है, सिर्फ ये लेंस है। ठीक है, ठीक है मित्रों, कल मिलते हैं नवे सफर के नाल। इतों हूँ कल तुरंगे मुंबई ले। सत श्री अकाल जी।